करना। मेरे साथ माइक ठीक हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान प्रहलाद पटेल जी का, जोरदार तालियां से स्वागत करें। ये बैलेंस करिए, ठीक है रुक जाओ। हमारे मंत्रिमंडल की साथी आपके अपनी नेत्री श्रीमती राधा सिंह जी, जोरदार तालियां राधा सिंह जी का। वर्तमान में अभी सांसद जब तक चुनाव नहीं हो जाए, जोरदार तालियां रीति पाठक जी का। वर्तमान में सांसद भी और विधायक भी है। हमारे बीच रणवीर सिंह रावत जी, जोरदार अभिनंदन। रणवीर सिंह जी रावत जी का संभाग प्रभारी, कमलेश्वर सिंह जी लोकसभा प्रभारी, देव कुमार सिंह जी, और इस अवसर पर हमारे प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा जी और प्रदेश के महामंत्री जिनने शुरुआत में जोरदार बात रखी, मेरे अभिन्न मित्र शारदेन्दु तिवारी जी, जोरदार तालियां बजा शारदेन्दु जी का। ये इंद्र से पता नहीं क्या भगवान की 5000 साल पुरानी हमारी कोई मित्रता है या पता नहीं क्या कारण है। यहाँ कई गोपाल कृष्ण वाले खड़े रह के इंद्र अपनी अलग उपस्थिति दिखाते हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे लिए परमात्मा की कोई लीला है। बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं अभी यहाँ आया और आने के बाद कुछ मित्र टोपी लगा के दिखे, वो टोपी में उसमें मयूर पंख भी थे। वो मयूर पंख देख के ऐसा आत्मा गदगद हो गई, सबको प्रणाम करने की इच्छा हो रही, सबको धन्यवाद देने की इच्छा। भगवान गोपाल कृष्ण के कई रूप में कई कई कारणों से उनको अलग अलग देखा जाना जाता, लेकिन गोपाल कृष्ण की एक सबसे बड़ी विशेषता, जिस दिन से उनने गोकुल छोड़ा, ब्रज छोड़ा, वृंदावन छोड़ा, तो वो चाहे हस्तिनापुर गए या द्वारका, दुनिया में जहां कहीं भी भगवान कृष्ण गए, उन्होंने गांव से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। सदैव मोर पंख लगा करके उन्होंने अपने आप की एक अलग छवि बनाई। ये गांव से रिश्ता जोड़ने का जो महत्व है, जोरदार ताली बजा के बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। मैं इसको कारण से भी बुलवा रहा हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, मोदी जी के लिए खास कर। एक बार आपने वोट दिया मोदी जी के लिए 2014 में, तो हमने देखा मोदी जी का वोट देने का क्या महत्व है। मोदी जी की सरकार के पहले सीमाओं पे आतंकवादी तो छोड़ो, हमारे सैनिकों के सर काट करके पड़ोस के दुश्मन ले जाते थे, कोई हिसाब किताब चुकता नहीं कर सकता था। डर के मारे मनमोहन सिंह की सरकार बोलती नहीं थी। हमारे जवान वीर बहादुर इस देश की सेवा करने के लिए सेवा देते थे, लेकिन उनके सिर काट करके लोग फुटबॉल की तरह खेलते थे और कायर सरकार दिल्ली में वेट करके कुछ करती नहीं थी। इस देश के अंदर पुलिस बल, सेना बल, तमाम प्रकार के बल अपने हाथ पे हाथ धर के बैठ करके ऐसी कायर सरकार को देख करके मनी मन गालियां बकते थे कि ये कैसे कायर लोग हैं। देश की आन बान शान के लिए जो जवान अपनी 24 घंटे नौकरी करता है लेकिन अनुशासन से बंधा हुआ है, उसको ऑर्डर दो तो वो काम करता है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ बताना पड़ रहा था कि ऑर्डर देने का दम कांग्रेस के नेताओं में नहीं था, इसलिए कभी दिल्ली, कभी बंबई, कभी पता नहीं कहां कहां बम फूटते थे। अब हमारे बीच में सौभाग्य की बात है, आपने वोट दिया 2014 में और जाने अनजाने पाकिस्तान और उसके आतंकवादी भूल गए थे कि ये बदलते दौर का भारत है। 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है। भूल से सोए सैनिकों पे बालाकोट पंजाब के अंदर आतंकवादी घटना करके हमारे 40 जवानों को मार डाला, आपने ध्यान दिया होगा। 48 घंटे नहीं हुए, पाकिस्तान के उस अंदर जाकर के जो जो आतंकवादी के अड्डे थे, घर में घुस के मारने की हिम्मत किनके अंदर थी? अपने भारतीय जवानों की। और पूरा देश आनंद में डूबा था, देश का स्वाभिमान सोया हुआ जागा। और एक बार नहीं, दो दो बार, एक बार सड़क मार्ग से, एक बार हवाई मार्ग से ऐसा मारा, ऐसा मारा कि पाकिस्तान की आज ऐसी हालत हो गई कि कहीं भूल से भी अपने आप कोई पटाखा चल जाए
तो वो बार बार हाथ जोड़ के कहता हमारा कोई लेना देना नहीं, हमको कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी हरकत नहीं है, ये हिम्मत किसी में है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार और पूरे देश में जोरदार ताली बजा करके हम सम्मान करें अपने मोदी जी का। आज समय की कमी है लेकिन फिर भी मैं कुछ बात करना चाहता हूं। यद्यपि हम सबको मालूम है अभी अभी आपने 3 महीने पहले चुनाव का मौका आया और वोट दिए, और वोट ऐसे दिए मोदी जी के एक नारे के आधार पर कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। कांग्रेस की क्या हालत करी कि 163 से ज्यादा विधायक बनकर के धूमधाम से मध्यप्रदेश की सरकार बनाई। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। उनने कहा था कि एक बार आप वोट दो प्रदेश का विकास मेरे पे छोड़ दो, और ये केवल भाजपा में ही हो सकता है, हमारी पार्टी के अंदर कि आपके जैसा कोई गरीब किसान का परिवार, मजदूर के परिवार के व्यक्ति को उठाकर मुख्यमंत्री बनाने की हिम्मत अगर किसी में है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में ही संभव हो सकता है, यह कांग्रेस और दूसरी पार्टी में संभव नहीं हो सकता। लोकतंत्र के सच्चे अर्थ में सिपाही अगर कोई है तो यह हमारी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, हमारे अपने गांव के पास वाले गांव में पैदा हुए डॉक्टर साहब। आप बगैर खट्टी क्या बोल रहे थे, मेरी भी ससुराल रीवा की है लेकिन मेरे को भी इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन क्या आनंद लग रहा था, जोरदार तालियां बजाओ, ये आनंद हमारा भी इस तरह ऐसा लगा कि मेरे आपने हमको मालूम है एक घर हमारा होता है एक ससुराल के बाद दूसरा एक और माँ बाप से परिचय होता है, जब हम दो हाथ से चतुर्भुज हो जाते हैं तो दूसरा भी रिश्ता बराबरी का ही होता है, इसलिए आपने ससुराल वालों का भी प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। मैं इस बात को महसूस करता हूं परमात्मा की दया से, यद्यपि बादल की बूंदे हमको डरा रही है, हमारे हेलीकॉप्टर का हेलीपैड गीला हो जाएगा तो उड़ नहीं पाएगा, और मेरी अभी 2 सभाएं और है और भोपाल जाना बाकी है, लेकिन अभी का यह समय इस बात का महत्व का है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने ऐसे ही अन्याय, अत्याचार, कुशासन और सारी व्यवस्थाओं के खिलाफ जाकर के एक युद्ध का नाम दिया था जिसको दुनिया धर्म युद्ध के नाम से जानी जाती है, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। दुश्मन कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, ताकत उसमें कितनी क्यों ना हो, लेकिन जो नैतिकता के रास्ते पे चलता है, जो सच्चाई के मार्ग पे चलता है, अच्छाई के मार्ग पे चलता है, भगवान भी उसका साथ देते और दुनिया में जय जयकार होती है। इसी कारण से भारत की जय जयकार दुनिया में होती है और इसी को हम सनातन संस्कृति कहते हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। आप अंदाज लगाओ कांग्रेस की सरकार वर्षों तक बनती रही, कोर्ट तो फैसले देती रही, कोर्ट ने एक फैसला 35 साल पहले दिया कि 3 तलाक खराब है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी उस निर्णय को लागू कराने का दम कांग्रेस में नहीं था। कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा और दुष्परिणाम क्या आया, 3 तलाक में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया वो पूरा निर्णय बदल दिया। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा हम कोर्ट बड़ी बताते हैं लेकिन फैसले में दम नहीं था। मैं आपको 2-4 फैसले बताना चाहता हूं जिसके आधार पर अभी बात करेंगे, लेकिन हमने देखा यशस्वी प्रधानमंत्री के समय भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, लोगों ने कहा आग लग जाएगी, देश में दंगा हो जाएगा, पता नहीं राम जी के नाम पर क्या क्या डराते थे। बोला जय जय श्री राम।